नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे सामने आ चुके हैं। 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश की हो रही है। जिस तरह से बीजेपी की यहां पर वापसी हुई है उसको लेकर खूब बातें हो रही हैं। माना जा रहा था कि सपा बीजेपी को टक्कर देगी, लेकिन जब नतीजे आए तो दोनों दलों के बीच अंतर साफ दिखा। खैर, चुनावी नतीजे आने के बाद से ही एक खबर बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर घूम रही है। खबर यह है कि अखिलेश ने मैनपुरी की जिस करहल सीट से चुनाव लड़ा और जीते, वो उसे अपनी पत्नी डिंपल यादव के लिए छोड़ने जा रही हैं। दरअसल अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद हैं और अब करहल से विधायकी का चुनाव भी जीत गए हैं। जाहिर है, एक साथ सांसद और विधायक बनकर तो अखिलेश नहीं रह पाएंगे, इसीलिए उनके लिए किसी एक पद को चुनना और एक से इस्तीफा देना ही ऑप्शन बचा है। खबर है कि अखिलेश करहल से इस्तीफा देकर अपनी पत्नी और पूर्व सांसद डिंपल यादव को यहां से चुनाव लड़ने का मौका देने वाले हैं। अखिलेश ने तो मास्टर प्लान तैयार कर लिया है, लेकिन बीजेपी उनके इस मास्टर प्लान में सेंध लगाने की तैयारी कर चुकी है। खबरों का बाजार गर्म है कि अगर डिंपल यादव करहल सीट से चुनाव लड़ती हैं तो बीजेपी अपर्णा यादव को चुनावी मैदान में उतार सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी को यह उम्मीद है कि डिंपल के मुकाबले अपर्णा ज्यादा मजबूत कैंडिडेट है। हालांकि इससे पहले अखिलेश के खिलाफ अपर्णा को उतारने में बीजेपी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। वहां से बीजेपी के टिकट पर एसपी सिंह बघेल को मौका मिला था, जो अपनी साख नहीं बचा पाए। हालांकि इस बार बीजेपी पूरे मूड में है कि अगर अखिलेश करहल से डिंपल को मौका देते हैं तो फिर बीजेपी अपर्णा को उनसे भिड़वाएगी। अब एक तरफ अपर्णा की सादगी और उनकी हिंदुत्व वाली विचारधारा ने सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है, तो वहीं दूसरी तरफ योगी के भगवा पर तंज कसकर डिंपल बुरी तरह से घिरी हुई हैं। हालांकि डिंपल की जीत पर अखिलेश के वोट बैंक का प्रभाव जरूर होगा, तो अपर्णा के सिर पर बीजेपी का हाथ है, जिसे 5 में से 4 राज्यों में जीत मिली है। जाहिर है, मुकाबला होता है तो बेहद दिलचस्प होगा और कांटे की टक्कर होगी। वैसे कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि यही सब सोचकर अखिलेश करहल सीट डिंपल को ना देकर स्वामी प्रसाद मौर्य को दे सकते हैं। ये वही मौर्य हैं जो कभी योगी सरकार में मंत्री हुआ करते थे और चुनावों के दौरान सपा में शामिल हो गए थे। वो अलग बात है कि अपनी सीट बचाने में वो कामयाब नहीं हो पाए और हार गए। हालांकि हारे हुए मौर्य पर भी अखिलेश दांव लगाने को तैयार है। खैर, अब देखना होगा इस सीट पर आखिरी फैसला क्या लिया जाता है। वैसे आपको क्या लगता है, अगर इस सीट पर डिंपल और अपर्णा के बीच मुकाबला हुआ तो कौन जीतेगा? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। जाते जाते आपको अपर्णा का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें हमने उनसे पूछा था कि अगर बीजेपी की वापसी उत्तर प्रदेश में होती है तो क्या उन्हें योगी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। सुनिए इस पर उनका क्या जवाब था। तो अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि अगर मैं तो अगर ही लगाऊंगी क्योंकि मैं पत्रकार हूं, बीजेपी की वापसी होती है, योगी सरकार बनती है तो कैबिनेट मंत्री आपको बनाया जा सकता है, ये खबरें हैं। देखिए, अगर आशीर्वाद मिलेगा मेरे शीर्ष नेतृत्व का तो क्यों नहीं जिम्मेदारी उठाएंगे। बाकी सब कुछ मैं शीर्ष नेतृत्व पे छोड़ चुकी हूँ। जैसा वो कहेंगे वो कर रही हूँ। अभी उन्होंने जो जिम्मेदारी जिलों की दी है मुझे, प्रचार करने की, प्रसार करने की, वो मैं कर रही हूँ। मैं पूर्ण निष्ठा के साथ अपनी पार्टी के साथ हूँ जी। सपा में रहते हुए भी आप जनता की सेवा कर सकती थी, सिर्फ विचारधारा ही एक मकसद था, या फिर एक होता है ना अपर्णा कि मैं भी कहीं जाऊंगी तो एक उम्मीद के साथ जाऊंगी, कोई भी जाएगा आगे स्विच करेगा एक उम्मीद के साथ करेगा, क्या उम्मीद थी वो उम्मीद टूटी? से बड़ी उम्मीद हो सकती है किसी भी युवा के लिए? आपके लिए कोई इरादा नहीं था कि मुझे भी किसी सीट से टिकट मिले? पहनने के लिए कपड़ा है, खाने के लिए रोटी है और अपर्णा यादव को सेवा करनी थी। मैं वहां भी कर रही थी क्योंकि यहाँ पे राष्ट्र की बात थी, इसलिए मैं यहाँ। सिंपल इज द थ्योरी।